नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.4 इसका प्रश्न 9 हम करने जा रहे हैं। हमें कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प को हमें चुनना है। प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है 2:3, 4:9, 81:16 या 16:81। तो बच्चा देखो, त्रिभुज समरूप हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है? संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो संगत भुजाओं का जो अनुपात दिया है वह दिया है 4/9 इसके वर्ग के बराबर। तो 4 का वर्ग हो गया 16 बटा 9 का वर्ग हो गया 81, यानी कि अनुपात आ गया 16:81। तो देखिए 16:81 कहां है? डी भाग। इसका अर्थ है सही विकल्प है डी 16:81। ये तो बहुत सरल था बच्चों, आपने ये प्रॉपर्टी की है इस एक्सरसाइज में कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो 4/9 का वर्ग यानी कि 16/81, तो 16:81 ही दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के हल देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।